कारगिल विजय के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देश भर में भारतीय सेना के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छब्बीस जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस बार कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। ये दिन भारतीय सेना के साहस और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए युद्ध का नाम है। कारगिल युद्ध लगभग 2 महीने तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और उसे वापस हासिल किया। ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। ये युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था, जिसमें भारत की ओर से बोफोर्स तोपों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों के भेष में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई में बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। इस युद्ध में भारतीय सेना के भी 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए तो करीब 1,363 जवान घायल हुए थे। 20वीं कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर भारत के राष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। कारगिल युद्ध में राजस्थान के 52 वीरों ने शहादत देकर देश का मान बचाया था। इसमें झुंझुनू के 22, सीकर, चूरू, नागौर के 21, अलवर के 3, जयपुर के 2 और पाली, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर और जोधपुर के 4 जवान शहीद हुए थे।